तो दोस्तों जब हम अपने घर पे आए, तो घर आने के बाद क्योंकि हमारी ट्रेन थी, क्योंकि शाम की ट्रेन थी, तो आखिरी जो मोमेंट चल रहा था तो वहाँ पे एक दीदी थी जो हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करा। तो बर्थडे सेलिब्रेट करते करते फुल एंजॉय, मतलब इंजॉय करा, पता ही नहीं चला उस पल का क्योंकि हमें जाना है। फिर जब वो पल आया कि जाने का, तो क्योंकि हमें निकलना दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के लिए हमें रवाना होना था, तो जो आखिरी मोमेंट थे दोस्त समझ सकते हैं। स्टेशन पहुंचने वाले हैं और लगभग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे स्टेशन। और भाई सच बता रहे हैं, यहाँ से बहुत मिस करेंगे लोगों को, बहुत समय प्यार दिए थे। और ये भाई लोग भी कह रहे हैं क्या कर रहा है, प्यारी इतना दिया क्या करें, अगर जाने का मन नहीं कर रहा बट जाना पड़ेगा क्योंकि अपनी सिटी भी जाना जरूरी है, क्योंकि काम भी करने हैं। हम सारे टाइम यहीं बैठे रहेंगे क्या होगा। योगी है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस मांगने लग गए और अभी हम सीधा नॉर्मली जा रहे थे वगैरह। दिखा दीजिए। तो ऑलरेडी हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो सब कुछ है वगैरह। सर क्या करें, बिल्कुल सर लाइसेंस थोड़ा सही होना चाहिए। फट गया सर, क्या करें। आई गॉट टाइम तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक ना, ले जाइए। ठीक है, लाइसेंस सही कर लो। थैंक यू सर। जय हिंद सर। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल सर, स्पीड लिमिट। थैंक यू। ओके सर, अब बहुत अच्छा लगा, सिटी बहुत अच्छी है। और प्लीज सर, आप तो सब बढ़िया है। थैंक यू। चलो तो चलते हैं यहाँ से, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, तो उस हमें फटाफट पहुँचना है। तो चलते हैं आगे। तो एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी भैया, जैसे एकदम रोक लिया, कहते लाइसेंस दिखाओ। तो लाइसेंस दिखाया तो वगैरह, बट मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा कि ये लाइसेंस इतना बड़ा होता है, हमारा तो छोटा सा होता है। ये किस्मत में है 10 रुपये। थैंक यू। कभी ऐसा होता है क्योंकि हम सुबह से हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं और भैया कहीं आ जा रहे हैं, तो मोस्टली अब खास मुश्किल से पैसे वैसे हमारे डाउन हो चुके हैं। और भाई एक चीज़ देखी है कि एक को दे तो सारी दुनिया पलटन ले आते हैं। तो सुबह ऐसे ही हुआ कि बच्चे पड़ गए पीछे, 1 किलोमीटर तक बच्चे साथ भी रहे, और भाई 2 मिनट के लिए ऐसा हो कि भैया 2 मिनट साइड हो जाओ, नहीं कोई नहीं, एक को दे दिया, दूसरे को चाहिए, दूसरे को, तीसरे को चाहिए, तो ऐसी पलटन पूरी आ जाती है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से यार यहाँ करें, दिल्ली में इतना नहीं है कि एक बार बोल दिया तो साइड हो जाते हैं, यहाँ पीछे पड़ जाते हैं। जब तक आप दोगे नहीं तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। पूरा चांदनी चौक है छोटा यहाँ का, जैसे चांदनी चौक में दिल्ली 6 कहते हैं, जहाँ पे ऐसी भीड़ लगी रहती है, मार्केट में कोई जगह नहीं होती निकलने की, वैसे ही है यहाँ पे पुराने घर टाइप बिल्कुल। पे जितने ई रिक्शा दिख रहे हैं, तो ये चीज़ देखिए, नई चीज़ देखिए, यहाँ पे दिल्ली में ये नहीं होता, बट यहाँ पे बांध के रखते हैं कि एक साइड से ही निकले, दूसरी साइड से ना निकले। तो भागे क्योंकि ऐसे कोई इतनी बुरी तरह लगा रखा है बेचारा, भागने के लिए भी हिम्मत चाहिए भाई इसको। तो स्टेशन पहुंच गए दोस्तों। ओह क्या यार, ये है मेन। हाँ भाई यार, यहाँ पे भी ओ क्या बात है यार दोस्तों, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ मैं तो एम ही 10 के कड़ाए थे यार। ट्रेन जो जमाई ट्रेन, बताओ तो क्या लिखा है? CNNOOCLN बेटा, ये ई है, ये आई है, मेरे बोलो तो नहीं आई। ठीक है, तो दोस्तों सामने लिखा हुआ है, तो बच्चे ने पढ़ दिया। और क्या करते हो बेटा? अंकल जी पढ़ते हैं, अंकल बना दिए, देखो यार अच्छे भले आदमी को बच्चे। अच्छा, और कौन सी क्लास में है? कौन सी क्लास? 4th क्लास में पढ़ते हैं। स्कूल कौन से जाते हो? सरकारी स्कूल। भाई सरकारी स्कूल बहुत बढ़िया, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। और आप भी बेटा स्कूल नहीं जाते?
जाते हैं नहीं जाते बेटा, इसलिए बोलते हैं कि पढ़ना चाहिए बेटा, पढ़ोगे आगे इधर आओ साइड हो जाओ, ठीक है? तो ठीक है बच्चे, फिर आगे चलते हैं आगे, ठीक है? कि नहीं है बिल्कुल, सच बताऊँ अपने ये कहीं इधर से प्रवेश करवा रहे, कभी उधर से प्रवेश करा रहे, कुछ कहाँ से डाले यार। तो अंदर अब चल पड़े, प्रयागराज का है। तो दोस्तों हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और वहीं जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 में जाना है दोस्तों, प्लेटफॉर्म से ऐसे ही जा रहे हैं, बैग उठा लिया फटाफट निकलो ऊपर क्योंकि टाइम नहीं है। प्लेटफॉर्म पहुंच गया और हमें ऊपर जाना है। लगभग 7 बजने वाले हैं, 7 बजने में से 2 मिनट रह गए और फिलहाल अभी हमारे पास 15 मिनट का टाइम है और लगभग ये भी कह सकते हैं कि आधा घंटा लेट भी हो सकती है ट्रेन हमारी, मोस्टली हमारी लेट हो गई है ट्रेन हमारी। तो अभी ऊपर चढ़ रहे हैं, देखते हैं अब सीढ़ियाँ चढ़नी है। अरे यार बहुत मुश्किल है यार सीढ़ियाँ चढ़नी, जाना हमें राइट पे। तो 3 नीचे उतरे, मेरा एक भाई यहाँ पे मिला है और ये भी सिरसा जा रहे हैं और जो ट्रेन है वही 7:30 वाली भी, तो ये 7:30 बजे हमारी ट्रेन है वही इसी से ट्रेन में बैठ के जाएंगे भैया हमारे। क्या नाम है आपका? अमित नाथ नाम है भाई का और सिरसा जा रहे हैं। दोस्तों बढ़िया अच्छा लगा यार आपसे मिलके, और बस ऐसे प्यार मिलता रहता लोगों से, मिलते हैं जाते हैं भाई। दिख कुछ नहीं रहा यार, बाहर गड्डी ले आए यार। तो दोस्तों आगे ट्रेन हमारी जो इतनी देर के बाद अब जाके पहुंची है, ये अब इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए यार, 1.5 घंटा हो गया यार। आइए आइए सर, इधर से आइए आप, कोई नहीं आराम से निकल दीजिए। तो थोड़ा दूर होके खड़े हैं क्योंकि यहाँ पास मत खड़े हुए हैं, आ जाएं ज़रा भाई। लेट आए दुरुस्त आए बट आई ट्रेन, मुझे लग नहीं रहा था कि आ पाएगी और आ गई है। B4 पे हमें जाना है और आए भाई बहुत जल्दी आए, बहुत जल्दी आए दोस्तों, बहुत जल्दी। अब भारत रेलवे और ये अब अंदर जा रहे हैं, आखिरकार आ गई है यार। थोड़ा टाइम लगा क्या करोगे यार, बहुत ज़्यादा ट्रेन पे। अब यहाँ से सफर शुरू होगा आगे और सुबह का टाइम देखते हैं कोई यार कोई व्यू दिख गया तो बढ़िया है, मुझे लगता नहीं कोई व्यू दिखेगा यहाँ पे। सपने में फिलहाल तो सपने में देखना पड़ेगा। इंस्पेक्टर भी बैठेगा। अरे क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, कैसे हैं आप? और सर कैसे हैं आप? सर यूट्यूबर। या मैं यूट्यूबर स्पीड लिमिट सर। बिल्कुल। और आप कहाँ जा रहे हैं सर? नो जी सर, पहले ही स्टाफ है, हमें सुबह तक जाना है, सुबह मिलेंगे। बहुत अच्छा सर आपसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक यू। ये तो दोस्तों अभी बैठे हैं यहाँ पे, अब भाई वेट करते करते 7 बजे का टाइम था और टाइम हो गया हमारे पास, बड़े टाइम क्यों ना हो गई 9 बज गए ने, तो आप समझ सकते हो तो कितना बंदा बैठा है, क्योंकि 7 बजे से लेके 9 बज के 2 घंटे हो गए हमें बैठे बैठे। और अब जाके ट्रेन आई है और सुबह मॉर्निंग में कितने बजे पहुँचे मुझे नहीं पता, आप जाके देखते हैं। तो ये भैया आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे ये बहुत बिछा के देते हैं। या आई एम ब्लॉगर यार। तो ये भैया हमारे हैं, तो ये सब मिलता है यहाँ पे जब ट्रेन में स्लीपर का जाता है, तो हमें सबको ये देते हैं, थैंक यू सर आप जी का। यार बहुत ख्याल रखते हैं यार, मैं फिलहाल आया यहाँ पे उन्होंने आते ही। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू आपने इतना, और लोगों की इतनी सेवा करते हैं दोस्तों के, जो होते हैं ये गंदे कपड़े ले जाते और नए ला के देते हैं ये। तो दोस्तों भाई हाँ जी, गंदे देते हैं, नए लेते हैं, गंदे देते हैं। हाँ गंदे देते हैं, नए ले आते हैं। बस दोस्तों फिर अपना देख रहे हैं यार, ये ट्रेन चली नहीं, कब चलेगी देखते हैं। और वैसे भूख लग रही है, अब आगे 2 घंटे बाद हमारा शायद बंदे आएंगे, तो वहाँ पे मैं खाने का आ रहा है हमारा खाना। और सुबह देखते हैं और टाइम हो चुका है 10 बज गए हैं और बाहर का व्यू तो वैसे कुछ नज़र आना है नहीं, तो बस यही चल रहा है व्लॉग में। और फिर अब आपको सुबह मिलते हैं, क्योंकि रात को कोई व्यू देख नहीं पाऊँगा मैं दिखा पाऊँगा, तो सुबह मिलते हैं आपको और फिर अब आप गुड नाइट बोलते हैं आपको, गुड नाइट।
दोस्तों इतना वेट करने के बाद तो यहाँ पहुँचे, महात्मा जी आए यहाँ पे, वही अपने दोस्त यार यूवी हैं यहाँ पे खाने के लिए। अब यहाँ से बैठेंगे ट्रेन में और खाएंगे बैठ के लिए। ट्रेन रुकी है यहाँ पे, कौन सी जगह ये? हाँ जी, फतेहपुर। फतेहपुर, तो दोस्तों फतेहपुर पहुँचे भी। मैं तो सो गया था, मेरे को नींद खुल गई मेरी, फिर दोबारा उठ गया ब्लॉक का कीड़ा। फिर A few moments later, टाइम हो चुका है 5:30 हो गए, 5:40 हो गए। सो उठ के गाजियाबाद आ गए, तिलक ब्रिज, अभी तिलक ब्रिज आने वाला बैठे बस, और बाकी शूट तो कर नहीं पाए क्योंकि इतना ही दिखा पाए क्योंकि जो प्रयागराज जो डेली है नहीं सफर है, ये रात तो कुछ दिखता है तो तो बाकी बस थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं और रेंज ब्लॉक कर लेते हैं। बता रहा है 6:30 पहुंच ही जाएगा तो बोल ले दो शॉट। दिल्ली पहुंच गया और 6 बज गए हैं और सही सलामत पहुंच गया दोस्तों दिल्ली, और रात का सफर पता भी नहीं चला और थोड़ा सा व्यू लिया है और थोड़ा सा व्यू लेके यहीं पे बस ब्लॉक कर लेते हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं, तो ये ब्लॉग खत्म होता है यहीं पे। यही तो बात कर रहे हैं, ब्लॉग खत्म कर दिया हमने तो पूरा व्यू नहीं दिखा पाए। तो दोस्तों न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं।